कल रात को 1:30 से लेके 3:30 तक जो भी हुआ, बट लियोनेल मेसी वन दी फीफा द बेस्ट अवार्ड। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज हुई है, 77th इंडिविजुअल अवार्ड है और उसके साथ ही साथ रिकॉर्ड भी बना लिया ना लियोनेल मेसी ने, वो सबसे बड़ी बात है। बट यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग कह रहे थे कि इट वॉज जस्टिफाइड, कुछ लोग कह रहे थे इट वॉज नॉट जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड नॉट जस्टिफाइड किस तरीके से आएगा? देखो, सबसे पहली बात, रिसेंसी बायस तो आनी ही है क्योंकि वर्ल्ड कप को मिड सीजन में करा गया। अगर वर्ल्ड कप सीजन के बाद होता तो कुछ और तरीके होते, ऑब्वियसली द बेस्ट बेंजिमा को मिल जाता क्योंकि UCL जीता और जिस तरीके से चल रहा होता ये सब, अभी तक हम UCL के क्वार्टर फाइनल्स के आसपास होते। अगर मेसी कुछ चले जाता तो उसका पता नहीं, बट ऑब्वियसली जिस तरीके से वर्ल्ड कप में खेला गया है, लियोनेल मेसी ने खेला है, एमी मार्टिनेज ने खेला, इट वॉज अ क्लीन स्वाइप बाय द अर्जेंटीनियंस, लियोनेल स्कालोनी ने जीत गया द बेस्ट मैनेजर। बट यही तो होता है ना जब आप मिड सीजन में रखते हो कि वेटेज जो वर्ल्ड कप का है वो UCL से ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो जिस कंपटीशन का वेटेज होगा उस कंपटीशन को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी एंड उस कंपटीशन की वजह से लियोनेल मेसी को मिला, एमी मार्टिनेज को मिला एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हो लियोनेल स्कालोनी को मिला। बट लियोनेल स्कालोनी को मिलना इसका मतलब ये नहीं कि डॉन कार्लो को एकदम ही आउटसाइड द बॉक्स दे दिया गया, नहीं नहीं नहीं, डॉन कार्लो एटलीस्ट डिजर्वड इट, ठीक है, क्योंकि डॉन कार्लो ने जिस तरीके से मैनेज किया रियल मैड्रिड को, वो लैलीगा भी जीत गए, वो ऑब्वियसली UCL भी जीत गए, सो ही कहीं ना कहीं डिजर्वड इट इन माई ओपिनियन। तो लियोनेल स्कालोनी का तो छोड़ो, बट लियोनेल स्कालोनी वर्ल्ड कप जीत गया इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकती, तो ही ऑल्सो डिजर्वड इट और उसको मिल गया उसका ड्यू रिस्पेक्ट। तो जिस डिसीजन को लेकर फैंस में गहमा गहमी बनी हुई है वो है कोर्टुआ को लेकर, बेसिकली द बेस्ट अवार्ड को लेकर गोलकीपर के लिए, वो जीता एमी मार्टिनेज ने। तो अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोर्टुआ ने UCL में बहुत अच्छा किया, बट कोर्टुआ का वर्ल्ड कप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एमी मार्टिनेज अंदर अदर एस्टन विला के लिए जो भी है कुछ ध्यान नहीं देते हैं लोग, प्रीमियर लीग में एस्टन विला को जो भी है वो कर देते हैं, बट वर्ल्ड कप में एमी मार्टिनेज वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अर्जेंटीना। उसने जिताया वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ हिज सेव, जो कुलुमुआने की वजह से अर्जेंटीना गॉट ऑन टू द पेनाल्टीज और उसके बाद जो भी हुआ वो हुआ, ठीक है, एंड ही वॉज अ डिसाइडिंग फैक्टर, उसे गोल्डन ग्लोव भी मिल गया। और ये कहीं ना कहीं फैक्टर प्ले करता है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि रिसेंसी बायस आ ही जाता है, अगर आप मिड सीजन में इतना बड़ा कॉम्पिटिशन रखते हो तो रिसेंसी बायस आना लाजमी है और वो होगा ही, और इसीलिए बैलेंस डॉर भी अगले सीजन का वर्ल्ड कप के बेसिस पर ही दिया जाएगा, जो कि लायनल मेसी को मिलेगा ऑब्वियसली, एंड द बेस्ट भी उसकी वजह से ही रखा गया। तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम्हारे क्या थॉट्स है इस पर, ये जरूर बताना कमेंट्स में। बट अगले न्यूज पर जाता है कि बार्सिलोना फिलहाल बहुत बहुत बड़े क्राइसिस में चली गई है, जहां पर उनके मिडफील्डर्स नहीं थे पहले, अभी फॉरवर्ड्स भी नहीं है क्योंकि अभी लेवेंडोव्स्की नहीं होगा, ना ही पेदरी होगा, ना ही गावी होगा, ना ही डेम्बेले होगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड। सो व्हाट विल बार्सिलोना डू, ये देखने लायक होगा, प्रीव्यू में बात करेंगे उसकी। बट ये बहुत बहुत गंदी वाली चीज़ नहीं होगी, मतलब जो रियल मैड्रिड के साथ हुई थी अक्टूबर या नवंबर के दौरान वर्ल्ड कप से पहले, वो अब बार्सिलोना के साथ हो गई है कि उनके 6 के 6 प्लेयर आउट हो गए, जहाँ पर उनके पास मॉडरिच नहीं था, ना ही उनके पास अलाबा रुडीगर कुछ नहीं था, बट वो मिलिताओ नाचो के साथ खेल रहे थे एंड देन वो वाला डिप आ गया था उनके फॉर्म में। ये अभी बार्सिलोना के साथ हो रहा है, एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है भाई फिलहाल, क्योंकि बार्सिलोना अभी भी 7 पॉइंट क्लियर है, सिर्फ 7 पॉइंट क्लियर है अभी फिलहाल मैं बोलूँगा, जिस तरीके से इंजरीज चल रही है सिर्फ 7 पॉइंट, क्योंकि रियल मैड्रिड अभी भी कोप अप कर सकती है बार्सिलोना के साथ अगर मैच जीते जाए। और बार्सिलोना का अगला मैच जो लैलीगा में वो वेलेंसिया के साथ है, जहां पर जावी नहीं होने वाला, वेलेंसिया का तो छोड़ो, अगला मैच ही रियल मैड्रिड के साथ है जहां पर लेवेंडोव्स्की ये सब नहीं होने वाला, तो उसको कोप अप कैसे करेंगे, नंबर 9 कैसे खिलाएंगे, एल्क्रॉन का टाइम आ गया है क्या, ये देखना पड़ेगा क्योंकि वो बंदा बहुत तगड़ा खेल रहा है बार्सिलोना बी में, उसको उठा के लाओ, सॉर्टेड है नंबर 9 पोजीशन। बट क्या जावी उतना गैम्बल खेल सकता है, क्या जावी रोनाल्डो को मिलने वाले इंस्टिंक्ट्स ले सकता है कि यंगस्टर्स को खिला दो, चलो कोई नहीं, फर्स्ट लगे बरना भी ऊपर है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड ने ले लिया 1-0 का लीड तो वहाँ पर सब समाप्त है भाई, मतलब कैंप में आकर वो सिट बैक ही करेंगे और सिट बैक करने के बाद रियल मैड्रिड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पर, ये जरूर बताना, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद, प्रीव्यू कल आ जाएगा एकदम जबरदार जबरदस्त, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद, विस्का एंड बारसा दोस्तों।